कोई बाल न बाका कर सके, न मिटा सके सम्मान, जिनकी रक्षा कर रहे हो स्वयं श्री पवन पुत्र हनुमान। जय श्री राम। दोस्तों, ये सब तो आप जानते ही होंगे कि भगवान हनुमान स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। इनकी शक्तियों की कोई भी सीमा नहीं है। लेकिन आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हनुमान जी और बलराम जी के बीच युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में कौन जीता, चलिए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। जैसे आप जानते ही हैं, बलराम शेषनाग के अवतार हैं और हनुमान जी को भगवान शिव ने असीमित शक्तियों का भंडार दिया हुआ है ताकि उन्हें कोई भी पराजित ना कर सके। लेकिन भगवान की महिमा भी अपरंपार है। एक बार बलराम और हनुमान जी के बीच युद्ध छिड़ गया, लेकिन आखिर कौन सा कारण था जिस वजह से हनुमान जी और बलराम जी को युद्ध करना पड़ा, चलिए दोस्तों जानते हैं। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी के सुंदर वाटिका में बहुत ही सुंदर खूबसूरत पेड़ पौधे और फलों के वृक्ष थे और बलराम को वो वाटिका बेहद पसंद थी क्योंकि उस वाटिका का निर्माण स्वयं बलराम जी ने करवाया था। लेकिन वो दिन कुछ अलग ही था जब एक वानर उस वाटिका में घुस आया और वाटिका के सारे फल चुरा कर खाने लगा। कई बार सैनिकों ने उस वानर को भगाना चाहा, लेकिन किसी की मजाल न थी कि वह उस वानर को ठस से मस कर सके। वो वानर बहुत बूढ़ा था लेकिन बहुत ही शक्तिशाली था और एकदम विशाल रूप दिए धरा था। ऐसे में किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह उस वानर को भगा सके। ये बात बलराम जी के कानों में पहुंची कि कोई वानर उनकी वाटिका में घुस आया है और वहां उत्पात मचा रहा है, साथ ही वाटिका को तहस नहस कर उसके सारे फल खा रहा है। ये बात बिल्कुल भी बलराम जी से सहन न हुई और वह गुस्से में वाटिका की ओर चल पड़े। उस समय उन्होंने देखा कि वह विराट वानर पूरी वाटिका को तहस नहस कर रहा है। उनको भी लगा कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, ये कोई मायावी वानर है। दरअसल वह वानर कोई और नहीं, स्वयं राम भक्त हनुमान जी थे जो श्री कृष्ण के कहने पर उस स्थान पर आए थे। बलराम जी ने देखा कि वह वानर बड़े आनंद से वाटिका के फल खा रहा है। बलराम जी ने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा, परंतु हनुमान जी ने बलराम जी को कोई उत्तर ही नहीं दिया और पूरी तरह से अनदेखा कर फल तोड़ने लगे। उस समय श्री कृष्ण की माया के कारण बलराम जी भी हनुमान जी को पहचान नहीं पाए और क्रोधित हो गए। उसके बाद बलराम जी और हनुमान जी का युद्ध आरंभ हो गया। उस समय बलराम जी ने बार बार हनुमान जी पर बहुत सारे प्रहार किए, परंतु उनका हर प्रहार हर बार विफल कर दिया। जब बलराम जी से सहा नहीं गया तो बलराम जी ने अपने सबसे शक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को हराना चाहा, परंतु स्थिति को बिगड़ता हुआ देखकर तुरंत ही वहां श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बलराम जी को ऐसा करने से रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब बताया कि यह वानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी है, बलराम जी को भी अपना पूर्व जन्म याद आ गया और ये भी याद आ गया कि कैसे हनुमान जी ने उस समय उनकी सहायता की थी। उस समय बलराम जी का क्रोध शांत हो गया और वह हनुमान जी से मिलकर बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया और हनुमान जी ने भी बलराम जी की छवि में लक्ष्मण जी को देखा और क्षमा मांगी और कहा, मैंने जो भी किया वह प्रभु के आदेश पर किया था, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी ने हनुमान जी को सम्मान के साथ अपनी द्वारका नगरी दिखाई और बड़े उल्लास के साथ उनका स्वागत भी किया। दोस्तों, अगर उस समय श्री कृष्ण जी बीच में नहीं आते तो हनुमान जी और बलराम जी के बीच बहुत ही भीषण युद्ध होता। खैर, ये सब प्रभु की ही माया थी। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।